दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने वो कर दिखाया है जिसे अब तक किसी देश ने नहीं किया है, और सिर्फ किया ही नहीं बल्कि इसका वीडियो रिकॉर्ड करके इसकी वीडियो भी अपलोड करी है। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। अमेरिका, रसिया, चाइना, किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत ने ऐसा क्या कर दिखाया है जो रसिया, चाइना, अमेरिका ने अब तक नहीं किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, आप डीआरडीओ की ये ट्वीट देख सकते हैं। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट ऑफ फोर एरियल टारगेट्स। और सबसे अच्छी बात तो यह कि भारत ने इसे खुद के टेक्नोलॉजी से करके दिखाया है, मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी से, ना कि किसी और कंट्री की मदद से। एक्चुअली में गाइस, भारत ने एक मिसाइल तैयार किया है और इस मिसाइल का नाम है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और इस मिसाइल के जरिए चार टारगेट को एक साथ हवा में ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। 25 से 30 किलोमीटर के रेंज में कोई भी मिसाइल अगर भारत की तरफ आएगी तो उसे हम आकाश डिफेंस सिस्टम के जरिए डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नाउ आप ये वीडियो देखिए। ये ब्लू कलर वाला भारत का मिसाइल है। ये ब्लू कलर वाला भारत का आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन देशों के मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा हवा में ही। अब आप ये रियल वीडियो देखिए। वो ग्राफिक्स था, इसमें आप देख सकते हैं भारत की तरफ आने वाले चार टारगेट को एक बार में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसे टेस्ट किया गया है श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन में जो कि आंध्र प्रदेश में मौजूद है। गाइस, आपको बता दें कि ये टेस्ट 12 दिसंबर को ही हुआ था, लेकिन इसे लाइव नहीं दिखाया गया था। इसका एक वीडियो क्लिप बनाया गया और लिमिटेड वीडियो को अपलोड किया गया ताकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये पूरी दुनिया में फैल ना जाए। हमने सिर्फ थोड़ा सा क्लिप बना करके दुनिया को दिखाया है कि हम ये कर सकते हैं, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। बाकी हम ये कैसे कर रहे हैं ये प्राइवेट है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी किसी के पास नहीं है। और हमने चाहते हैं कि हमारे इस टेक्नोलॉजी को देख करके कोई और ये टेक्नोलॉजी बना ले। अगर ऐसा होगा तो हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने इस टेक्नोलॉजी को बेच नहीं पाएंगे। अगर कोई कंट्री इस मिसाइल को खरीदना चाहता है तो हम उसे बेच भी सकते हैं। अभी रिसेंटली में भारत ने फिलीपींस को 2770 करोड़ रुपए के ब्रह्मोस मिसाइल बेचे हैं जो कि हमारे लिए एक बड़ा डील है। और अब बहुत से कंट्री आकाश डिफेंस सिस्टम पर भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हो सकता है कि इस मिसाइल की डील फिलीपींस ही कर ले। इसके अलावा इजिप्ट, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, वो भी भारत के साथ डिफेंस डील करना चाहता है और इस मिसाइल के पीछे उसकी भी इंटरेस्ट अच्छी है। इसके अलावा डीआरडीओ का ये जो वीडियो क्लिप है इसको अपलोड करने का रीजन ये भी है कि हमारे आसपास के जो भी पड़ोसी कंट्री है उनको पता चल सके। जैसे कि अभी पाकिस्तान बोल रहा है कि हम 300 बार जंग लड़ने के लिए तैयार है भारत से, तो उन्हें पता होना चाहिए कि तुम किससे भिड़ने जा रहे हो और हम क्या कर सकते हैं। अगर तुम जम्मू कश्मीर पर किसी तरह के मिसाइल छोड़ने के बारे में प्लान बना रहे हो तो उसे हम बता सकते हैं कि हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तेजस का भी ड्राइव किया था। वो सिर्फ एंजॉय के लिए नहीं था, वो एक इंटरनेशनल मैसेज था कि भारत अपने डिफेंस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बन रहा है और मेक इन इंडिया चीजों को बना रहा है। जब भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद तेजस को फ्लाई करते हैं तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर एक संदेश जाता है कि नहीं, भारत का जो तेजस है वो वाकई सही है। तभी तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उससे सफर कर रहे हैं। अगर किसी तरह का खतरा रहता तो भारत वाले अपने प्रधानमंत्री को उसमें क्यों सफर करवाते। तो इन सारे चीजों को देखते हुए इंटरनेशनल लेवल पर एक मैसेज गया कि हम भारत से डील कर सकते हैं, भारत का जो चीज है वो सही है। क्योंकि भारत कब तक दूसरे देशों से डिफेंस के चीजों को इंपोर्ट करेगा। और डीआरडीओ के द्वारा ये जो वीडियो जारी किया गया आकाश एयर सिस्टम का, ये अपने आप में खास है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक न्यू पीस है जिसको अब तक किसी कंट्री ने नहीं किया है। हाँ, भले वो बोल दे कि हम कर सकते हैं, बट कर सकते हैं और करके दिखा देने में बहुत अंतर है। एंड आई थिंक कि 2024 में आकाश डिफेंस सिस्टम की बहुत बड़ी डील हो सकती है। इसके अलावा आई बटन में जो दिख रहा है आपको ये वीडियो, इसमें मैंने आपको बताया था भारत ने अभी एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया है जो कि दिखने में तेजस के जैसा है, लेकिन इसमें फर्क इतना है कि इसमें ह्यूमन नहीं बैठेंगे, इसे रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। मतलब एक तरह का ये ड्रोन जैसा है। हम इंडिया में रह करके इसे कहीं भी उड़ा सकते हैं और इससे दुश्मन कंट्री पे वार कर सकते हैं। आप ये वाला वीडियो देखिए। आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।